Hello guys, good morning and namaste to you all once again. Very warm welcome to my YouTube channel. This is your dost Lawang Sherpa. So आज अपन का बाइक को थोड़ा धोना है पहले और उसके ऊपर थोड़ा मेंटेनेंस करना है. ना क्रिटिकल मेंटेनेंस नहीं, जस्ट रेगुलर मेंटेनेंस. एक मोबिल चेंज करना है, फिल्टर चेंज करना है, स्पार्क प्लग होगा तो वो भी चेंज कर लूँगा. और वो सब मैंने खरीद के रखा था पहले ही. सो वो मैंने जो चाहिए वो सब सामान इसमें डाल के रखा हूँ मैं, तो आप लोगों को दिखाता हूँ. पहले तो ये मोबिल फिल्टर और दूसरा भी चेंज मोबिल. सो आज मेरे को ये सब चेंज करना है बाइक में. ये रहा मोटुल का ऑयल एंड द इंजन ऑयल, फ्यूल फिल्टर. और आज अपन को जाना है और ये सब मुझे चेंज करना है. सो अभी मैं बाइक को लेके जा रहा हूँ, थोड़ा पहले इसको धो लेता हूँ. और गैंगटॉक का मौसम आज बहुत ही अच्छा है यार. कल रात को इवनिंग टाइम में बहुत बारिश हुआ था. सो रास्ता बहुत कीचड़ वाला था जब जहाँ मैं आ रहा था ड्यूटी से. अरे भाई क्या जल्दी है यार. सो बाइक का कंडीशन देख रहा होगा, पूरा गंदा है यार, पूरा धूल मिट्टी से भरा हुआ है. तो पहले इसको मैं अच्छे से धोऊंगा, धोने के बाद फिर इसके ऊपर थोड़ा मेंटेनेंस जो भी करना है वो सब करूँगा. वॉश सेंटर पे आ चुका हूँ, अभी बाइक को धोना है. पहले तो देखता हूँ यार गन फ्री है कि नहीं. बाइक देखिए कितना गंदा हो चुका है, बाप रे. डॉट बाइक जैसा हो गया पूरा. सो ये जो वॉश सेंटर है यहाँ पे सेल्फ सर्विस रहता है और कॉस्ट भी कम है, 50 रुपये लगता है आपको बाइक धोने के लिए. सो इसलिए मैं यहीं पे आता हूँ, लास्ट टाइम भी यहीं पे आया था बाइक धोने के लिए. सो अभी बाइक कंडीशन ऐसा है, पूरा क्लीन हो चुका है, धूल मिट्टी सब निकल गया है. हाँ फिर भी रास्ता इतना गंदा है सिक्किम, बाकी क्या पता है यार, गंदा तो होने ही वाला है. छोड़ो, फिर भी टाइम टू टाइम क्लीनिंग करना इट्स नेसेसरी, यू नो. सो अच्छू. सो थोड़ा देर बाइक को यहाँ धूप पे रख लेता हूँ ताकि जितना भी मॉइस्चर है बाइक का ऊपर से सूख जाए. बाइक धोने का जो काम था ख़त्म हो चुका है, अभी बाइक को लेके जाना है वर्कशॉप पे. जहाँ पे खाली रहेगा वर्कशॉप वहीं पे लेके जाता हूँ. सो अभी आया हूँ यहाँ पे एम डी ताज बाइक करेज बागपन पेट्रोल पंप बागथंग. अलिक उयो चेन्ज गर्नु सक्छौ, मोबिल चेन्ज गर्नु छ हो, अन्त उयोहरू फिल्टरहरू यो स्पार्क प्लग चेन्ज गर्नु सक्छ. खराब भएको होइन नि होइन, ओइलको कन्डिसन उतना खराब त नै थियो. 3000 किलोमिटर चल्छ, चेन्ज गर्नै माग्दा यसो चेन्ज गरिदिँदै आज गरेको यहाँ कति दिन भयो? टायरको थोरै मिस्त्री हो, टायरको मिस्त्री हो, टायरको हो. फिल्टर भी पूरा डैमेज ही था तो नया चेंज करने के लिए सजेशन कर रहा था. तो भैया ने सजेस्ट किया है नया डालने के लिए, तो नया ही डाल देते. अच्छा है ना, राम्रो है ना, राम्रो क्वालिटी हो. सो नया फिल्टर भी गया इसमें. हाँ भैया, अपना फिल्टर भी चेंज हो गया, मोबिल भी चेंज हो गया और बाकी रहा बस चेन का क्लीनिंग, वो भी कर लेंगे. चेन का कंडीशन ऐसा है, कंडीशन ऐसा दिख रहा है, ब्रास का चेन है बेसिकली और ये पूरा काला हो चुका है. तो भैया को बोला हूँ पूरा साफ़ करने के लिए अच्छे से, इसको साफ करते हैं यहाँ से निकलने, बहुत टाइम हो गया यहाँ पर. सो अभी देखिए कलर पूरा चेंज हो चुका है, अच्छा का अच्छा नया गोल्डन कलर. सो अभी मैं रूम पे आ पहुँचा हूँ और अपना जो बाइक में काम करना था वो सब कंप्लीट हो चुका है. और मेरा टोटल कॉस्ट हुआ
400 rupees. उसमें क्या था कि एक ईयर फिल्टर मैंने नया डाला था विच कॉस्ट मी अराउंड 250 rupees एंड रिमेनिंग 150 एज ए लेबर चार्ज. सो अभी बाइक चला के देखा हूँ सही से चल रहा है, मतलब ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किया, फिर भी स्मूथनेस है थोड़ा बहुत. और आज का ब्लॉग यहीं पर था और फिर मिलूंगा आप लोगों से कुछ नया ब्लॉग लेके. टिल देन बाय बाय.